हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। तो इंग्लिश पॉइंट की ऑनलाइन क्लासेस में आपका स्वागत है। तो आज की जो क्लास है इसमें हम आपको सिंपल से टेंस सेंटेंस रिलेटेड टू टेंस कराने वाले हैं। और यहाँ पर मैंने इस जो वर्ब्स हैं उनको मैंने ब्रैकेट में लिखा हुआ है। आप चाहें तो इनको ऑब्जेक्टिव बेस्ड फॉर्म में समझ सकते हैं, लेकिन चलिए शुरू करते हैं क्लास को। सबसे पहले तो आज की जो क्लास है वो है फिल इन द ब्लैंक्स बेस्ड ऑन टेंसेस। टेंथ से रिलेटेड आपकी क्लास है, चाहे आप लोग एकेडमिक स्टूडेंट हो, क्लास 9, 10, 11, 12 या फिर कम्पिटेटिव एग्जाम्स के लिए भी हो, तो उनके लिए भी हम आपको और इसमें रूल्स समझाएंगे, जिससे जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस आपको मिलेंगे तो सारी चीज़ क्लियर हो जाएगी कि आपको कौन सा वर्ब का राइट फॉर्म सेंटेंस में प्रयोग करना है। सबसे पहला सेंटेंस है, राहुल ऑलवेज एक्सक्यूजेस फॉर नॉट डूइंग द वर्क। यानी कि राहुल है वो हमेशा क्या करता है, एक्सक्यूजेस बहाने बनाता है काम ना करने के लिए। अब इस सेंटेंस में आपको वर्ब फिल करना है यहाँ पर मेक। ध्यान रहे, जब भी आपको वर्ब भरने के लिए दी जा रही है ना, तो इसका मतलब है कि आपको टेंस के रूल फॉलो करना है। यानी कि आपको सेंटेंस में टेंस पूछा जा रहा है। टेंस तीन होते हैं, प्रेजेंट, पास्ट एंड फ्यूचर, आप लोगों ने पढ़े हैं। तो कमेंट के माध्यम से ये बताइए कि सबसे पहले सेंटेंस में, सेंटेंस नंबर वन में मेक का कौन सा राइट फॉर्म होगा। तो टेंस को समझने के लिए आप लोग दो चीज़ों को हमेशा ध्यान दिया करें सेंटेंस में। एक तो उसमें टाइम देखो कि टाइम कौन सा है उसमें, नहीं है मेंशन है, या फिर आपको वहां पर एडवर्ब मिल जाएगा। दो चीज़ें तो मिलेंगी ही मिलेंगी, नहीं है तो फिर आपको दो सेंटेंस मिलेंगे जिसके माध्यम से आप बहुत ही आसानी से सेंटेंस के नेचर को समझ सकते हैं। तो इस सेंटेंस में कहीं भी पूरे सेंटेंस में टाइम नहीं है, यानी कि पास्ट और फ्यूचर समझ में नहीं आ रहा है। कोई ऐसा वर्ड नहीं है जो हमें पास्ट या फ्यूचर का टाइम एक्सप्रेस करे, तो इसे हम प्रेजेंट में बनाएंगे। और प्रेजेंट में यहाँ पर आपका ये ऑलवेज एडवर्ब ऑफ फ्रिक्वेंसी लगा हुआ है, जो कि सिंपल टेंस, सामान्यतः सिंपल टेंस में प्रयोग किया जाता है। तो इस तरह से इस सेंटेंस को हम प्रेजेंट सिंपल टेंस में बनाएंगे और राइट आंसर होगा आपका यहाँ पर मेक्स। कंपिटेटिव एग्जाम्स में आपको इसके फोर ऑप्शंस मिल जाएंगे कि मेक्स, इज मेकिंग, मेड एटसेट्रा, इस तरह से ऑप्शन मिलेंगे। और राइट आंसर आपको जो फिल करना है वो मेक्स होगा, क्योंकि प्रेजेंट इंडेफिनिट में थर्ड पर्सन सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ वर्ब में एस या ई एस का यूज भी आपको करना होता है। सेकेंड सेंटेंस देखिए, वाटर डैश एट 100 डिग्री सेंटीग्रेड। आपको बताना है कि बॉयल का करेक्ट फॉर्म इसमें क्या फिल करेंगे। तो सेंटेंस को ध्यान से देखें तो इस सेंटेंस में हमें पता चलता है, क्या पता चल रहा है, जनरल ट्रूथ। क्या है ये, जनरल ट्रूथ। कहने का मतलब है कि यदि सेंटेंस में हैबिचुअल एक्शंस हो, जनरल ट्रूथ हो, परमानेंट एक्टिविटी हो, प्रोवर्ब्स हैं, मैथमेटिकल फैक्ट हैं, कौन सा टेंस बनाते हैं, तो उस सेंटेंस को आप बनाते हैं प्रेजेंट सिंपल टेंस। तो यहाँ पर आपको लिखना है सब्जेक्ट टी हो गया, वर्ब आपकी बॉयल होगी, सिंगुलर सब्जेक्ट है तो वर्ब में एस या ई एस का यूज भी आपको यहाँ करना पड़ेगा, सेंटेंस आराम से आपका करेक्ट होगा। नेक्स्ट है सेंटेंस नंबर थ्री, और इसमें क्या है, आई डैश ऑन अ साइंस प्रोजेक्ट नाउ अ डेज। इन दिनों मैं साइंस प्रोजेक्ट पर कोई काम कर रहा हूँ। लेकिन इस सेंटेंस को ध्यान से देखो, यहाँ पर टाइम आपको मिल रहा है नाउ अ डेज। नाउ अ डेज मतलब क्या होता है, इन दिनों। नाउ डेज मतलब इन दिनों, यानी आजकल मैं क्या कर रहा हूँ, ये साइंस प्रोजेक्ट पर वर्क कर रहा हूँ। वर्क की आपको यहाँ पर करेक्ट फॉर्म फिल करना है, कौन सा टेंस बनाइए। तो सेंटेंस ये आपका लिखा जाएगा प्रेजेंट प्रोग्रेसिव टेंस में। क्यों लिखा जाएगा कि द वर्क, ये आपका डिफरेंट वे में दूसरी कंडीशन यूज हो रही है प्रेजेंट प्रोग्रेसिव टेंस की। एक तो प्रेजेंट प्रोग्रेसिव का रूल ये है कि द वर्क इज गोइंग ऑन एट द टाइम ऑफ स्पीकिंग, उस सेंटेंस को आप किसमें यूज करते हैं, प्रेजेंट प्रोग्रेसिव टेंस में। या फिर दूसरी कंडीशन है, इट इज नॉट नेसेसरी द वर्क शुड बी डन एट द टाइम ऑफ स्पीकिंग। हो सकता है वो इनडायरेक्टली वे में चल रहा हो, और कोई कार्य जो इनडायरेक्टली वे में चल रहा है, यानी कि वो कार स्टार्ट हो गया है, बट हैवंट फिनिश्ड इट येट, अभी तक फिनिश नहीं हुआ है, और एट द टाइम ऑफ स्पीकिंग भी नहीं हो रहा है, फिर भी आप उस सेंटेंस को किसमें यूज करेंगे, प्रेजेंट प्रोग्रेसिव में। हो सकता है कि इस समय वह साइंस प्रोजेक्ट पर कार्य न कर रहा हो, लेकिन उसने कार्य शुरू कर दिया है लेकिन अभी तक फिनिश नहीं हुआ है, फिर भी हम इसे प्रेजेंट प्रोग्रेसिव टेंस में ही
लिखेंगे तो आई एम वर्किंग ऑन अ प्रोजेक्ट नाउ डेज, ये होगा राइट आंसर सेंटेंस नंबर थ्री में। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट सेंटेंस है सेंटेंस नंबर फोर, सी डैश हर होमवर्क जस्ट नाउ। आपको बताना है कि कंप्लीट का राइट फॉर्म क्या होगा, यानी राइट टेंस कौन सा बनाइए प्रेजेंट पास्ट या फ्यूचर में से। अब यहां पर आप कुछ चीजों को समझो, नाउ मीन्स अभी, क्या बताता है प्रेजेंट, जस्ट, ऑलरेडी, एवर, नेवर, रिसेंटली, लेटली, सो फार, कहां पर यूज होते हैं सारे एडवर्ब परफेक्ट टेंस में। जस्ट नाउ, अप टू द प्रेजेंट, ये सारे आपके जो टाइम एक्सप्रेशंस हैं या जो एडवर्ब हैं आपके, तो ये सब आपके प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में प्रयोग किए जाएंगे। इस सेंटेंस को भी हम लिखेंगे प्रेजेंट परफेक्ट में कि सी हैज कंप्लीटेड, सी हैज कंप्लीटेड हर होमवर्क जस्ट नाउ, यानी उसने अभी अभी अपना होमवर्क फिनिश किया है, कंप्लीट किया है। नेक्स्ट है सेंटेंस नंबर है आपका फाइव, आई डैश टीचिंग इन दिस स्कूल फॉर 10 ईयर्स, यानी इस स्कूल में मैं कितने सालों से पढ़ा रहा हूँ, 4 सालों से पढ़ा रहा हूँ, ठीक है ना, यस सॉरी 10 सालों से पढ़ा रहा हूँ। तो यहाँ पर वर्ब यूज करना है बी, ध्यान रहे बहुत सारे एकेडमिक स्टूडेंट कन्फ्यूज हो जाते हैं, कई बार कम्पिटेटिव एग्जाम्स के स्टूडेंट भी जिन्हें मालूम नहीं होता वो भी कन्फ्यूज हो जाते हैं कि बी वर्ब क्या है। तो बी वर्ब आपकी दो तरह की होती है, एक होती है प्राइमरी वर्ब और एक होती है मॉडल एक्चुअलरी वर्ब। प्राइमरी एक्चुअलरी वर्ब तीन तरह की होती हैं, बी वर्ब, डू वर्ब और हैव वर्ब। तो बी वर्ब में आपकी कौन कौन सी आती है, प्रेजेंट में यूज कर रहे हैं तो इज, एम, आर का प्रयोग करते हैं, पास्ट टेंस में यूज कर रहे हैं तो बी वर्ब मतलब बाज और वर्ब का प्रयोग करेंगे, और परफेक्ट टेंस में यूज कर रहे हैं तो बी का बीन हो जाएगा, प्रोग्रेसिव में यूज कर रहे होंगे तो बी हो जाएगा। ये फॉर्म आपको यूज करना है, ध्यान रहे जब भी आपको बी वर्ब फिल करने के लिए मिलती है तो इसको आप ध्यान में रखें। यहाँ पर टाइम लगा हुआ है, सेंस ऑफ फोर के बाद टाइम है तो कौन सा टेंस बनाएंगे, तो इस सेंटेंस को आप लिखेंगे परफेक्ट प्रोग्रेसिव टेंस में। तो प्रेजेंट परफेक्ट में लिखिए कि आई हैव बीन टीचिंग इन दिस स्कूल फॉर 10 ईयर्स, ये राइट आंसर होगा सेंटेंस नंबर फाइव में। नेक्स्ट है सिक्स, ही डैश द स्टूडेंट ऑफ द ईयर लास्ट, स्टूडेंट ऑफ द ईयर लास्ट ईयर, यानी उसने जीता, क्या जीता, स्टूडेंट ऑफ द ईयर का अवार्ड, या अवार्ड भी लेते थे समझ में आसानी होगी, द स्टूडेंट ऑफ द ईयर अवार्ड लास्ट ईयर। विन की करेंट फॉर्म फिल करना है तो यहाँ पर देखो टाइम लगा हुआ है, क्या टाइम है, लास्ट ईयर मतलब पिछली साल। यदि आपको सेंटेंस में कभी लगा मिलता है लास्ट डे, लास्ट मंथ, लास्ट ईयर, ठीक है ना, यस्टरडे, अगो, एटसेट्रा, तो ये सारे जो टाइम एक्सप्रेशन जो एडवर्ब्स हैं ये कहाँ पर यूज होते हैं, ये सब यूज आपके किए जाएंगे पास्ट इनडेफिनिट टेंस में सामान्यतः। तो इस सेंटेंस को आप बनाइए पास्ट इनडेफिनिट, जो है सब्जेक्ट के बाद पास्ट सिंपल फॉर्म यूज होता है, तो विन का पास्ट सिंपल फॉर्म होगा आपका बॉर्न, ये राइट आंसर है सेंटेंस सिक्स में। नेक्स्ट है सेवन में क्या है, ही डैश ऑन अ प्रोजेक्ट व्हेन आई लास्ट विजिटेड हिम, यानी जब मैं अंतिम बार उससे मिलने गया तो क्या हो रहा था, वो ही डैश ऑन ए प्रोजेक्ट। वर्क की आपको करेक्ट फॉर्म फिल करना, आप फोर ऑप्शन के अनुसार यहां पर फिल कर सकते हैं कौन सा राइट आंसर यूज होगा सेंटेंस नंबर सेवन में। तो सेंटेंस नंबर सेवन में जो राइट आंसर यूज होगा वो देखिए, ये जो क्लॉज है एडवर्ब क्लॉज ऑफ टाइम है, क्लॉज कौन सा है, पास्ट इंडेफिनिट है तो ये भी पास्ट में बनेगा, लेकिन उस समय वो कर रहा था तो ये पास्ट प्रोग्रेसिव टेंस यूज होगा, कि ही वाज वर्किंग ऑन ए प्रोजेक्ट व्हेन आई लास्ट विजिटेड हिम, यानी वह अपने प्रोजेक्ट पर कार्य कर रहा था जब मैं पिछली बार उससे मिला या अंतिम बार उससे मिला था। आगे सेंटेंस एट, द पेशेंट बिफोर द एम्बुलेंस द हॉस्पिटल, बहुत ही सिंपल है लेकिन यहाँ पर एडवर्ब क्लॉज ऑफ टाइम ही है, बिफोर और आफ्टर आप लोगों ने पढ़े होंगे, तो बिफोर के बाद सामान्यतः जो टेंस बनाते हैं वो कौन सा होता है बताइए। बिफोर के बाद पास्ट इंडेफिनिट बनता है, दूसरा बनता है पास्ट परफेक्ट। तो पहले इसे लिख लेते हैं, इसमें आपको लिखना रीच की करेक्ट फॉर्म। पास्ट इंडेफिनिट क्या होता है, सब्जेक्ट के बाद वर्ब की सेकेंड फॉर्म, यानी कि पास्ट सिंपल फॉर्म। तो द एम्बुलेंस रीच्ड द स्टेशन, उससे पहले क्या हो गया था, द पेशेंट हैड डाइड,
ठीक। नेक्स्ट सेंटेंस है 9, सी डैश रीडिंग फॉर 2 hours व्हेन आई रीच्ड हर हाउस। जब मैं उसके घर पहुंचा तो वह 2 घंटे से क्या कर रही थी, वह पढ़ाई कर रही थी, रीड कर रही थी। यहां पर आपको फिल करना है बी वर्ब। अभी बी वर्ब के बारे में मैंने आपको यहां पर बताया कि क्या राइट फॉर्म यूज हो रहा है। आप देखो सेंटेंस को देखिए, सिंस और फोर के बाद ये आपका यहां पर है टाइम, फोर 2 hours लिखा हुआ है, यानी कि ये सेंटेंस आपको प्रोग्रेसिव या इंडेफिनिट में नहीं बनाना है, इसे हम बनाएंगे परफेक्ट प्रोग्रेसिव में। कौन सा परफेक्ट? ये क्लॉज आपका पास्ट में है तो इसे भी पास्ट परफेक्ट प्रोग्रेसिव टेंस लिखेंगे। तो ये होगा आपका सी हैड बीन रीडिंग फॉर 2 hours व्हेन आई रीच्ड हर हाउस। जब मैं उसके घर पहुंचा तो 2 घंटे से पढ़ाई कर रही थी। नेक्स्ट है सेंटेंस नंबर 10, रोहन एंड रमन डैश टू दिल्ली टुमारो। जो भी करेक्ट फॉर्म फिल कर, अब ये बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड है, आपको सेंटेंस पर डिपेंड करता है कि किस तरह से यूज करना जरूरी है। तो आपका ए ऑप्शन मिल सकता है गोइंग, ठीक है ना, एंड एथ सेंटेंस में आपको ऐसे ही मिल सकता है कि विल गो, और एक ये भी आपका राइट हो सकता है तीसरा, ठीक है। इसके बाद कई सारी कंडीशंस बनती है फ्यूचर टाइम को एक्सप्रेस करने के लिए, केवल एक ही फ्यूचर नहीं बट वहाँ पर सिचुएशन डिफरेंट होगी। लेकिन ऑप्शन के बारे में बता दूँ, कौन सा ऑप्शन आपको मिल रहा है तो कौन सा ऑप्शन राइट होगा। यहाँ पर ये तीनों यूज हो सकते हैं कि रोहन एंड रमन, यदि मैं कहूँ इज, सॉरी यहाँ पर लिख देते हैं आर गोइंग, क्योंकि दो लोग हैं, रोहन एंड रमन आर गोइंग टू दिल्ली टुमारो। इसका मतलब हुआ रोहन एंड रमन हैव ऑलरेडी डिसाइडेड टू गो टू दिल्ली एंड अरेंज्ड भी कर लिया उन्होंने, यानी डिसाइड, कोई कार्य जब डिसाइड हो जाता है पहले से ही और उसका अरेंजमेंट भी हो जाता है तो फ्यूचर टाइम एक्सप्रेस करने के लिए हम प्रेजेंट प्रोग्रेसिव टेंस का प्रयोग करते हैं। तो इस तरह से आपका ये भी राइट होगा। नेक्स्ट देखते हैं विल गो। विल गो कहाँ पर आप यूज करेंगे कि ऐसे कार्य जो आप एट द टाइम ऑफ स्पीकिंग डिसाइड करते हैं उसको एक्सप्रेस करने के लिए भी आप फ्यूचर का यूज करते हैं। सामान्यतः यहाँ पर आपका टुमारो टाइम एडवर्ब लगा हुआ है, टुमारो क्या एक्सप्रेस कर रहा है फ्यूचर, तब भी आपका नॉर्मली ये फ्यूचर ही राइट आंसर होगा, ये विल गो। और गो आप गो का यूज कर देंगे तब ये सेंटेंस करेक्ट बन सकता है। ये कब होता है, जब हम प्लांट जर्नी की बात कर रहे हों, टाइम टेबल वाले एक्शन की बात कर रहे हों, तो इस सिचुएशन में प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में आपको फ्यूचर लिखना होगा, फ्यूचर का सेंस वहाँ पर आएगा लेकिन सेंटेंस प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में लिखेंगे। अब आपको ऑप्शन सामान्यता या तो ये मिल सकता है या ये, इन दो ये दोनों नहीं मिलेंगे या इनमें से एक मिलेगा, बट प्रोबेबिलिटी इसकी ज़्यादा रहती है, तो विल गो आपका करेक्ट आंसर होगा सेंटेंस नंबर 10 में। तो आज की क्लास में इतना ही। आई होप क्लास के सेंटेंस में रूल्स और सेंटेंस भी आपको समझ में आए होंगे और ये आपको हेल्प करेंगे आपकी अगली एक्सरसाइज के लिए। तो आप लोग एक्सरसाइज करते रहिए, कोई भी डाउट्स हो नीचे कमेंट के माध्यम से पूछ लीजिए, चैनल को सब्सक्राइब दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें। मिलेंगे आपसे नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।